उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत जनपद बिजनौर में गरीब ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह गठन करने हेतु दिनांक 25 अप्रैल 2019 से दिनांक 3 मई 2019 तक ICRP प्रशिक्षण का आयोजन जिला प्रशिक्षण संस्थान हल्दौर में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ उपायुक्त सप्तरोजगार श्री ज्ञान सिंह जी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। सभी दीदी और भाइयों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम गीता है, मैं नाम कैसे आई हूँ। सभी दीदी और भाइयों को नमस्ते, मेरा नाम पुष्पा देवी है, मैं राम गोवर्धन नाम कैसे आई हूँ। सभी को मेरा नमस्ते, मेरा नाम प्रीति देवी है, मैं ग्राम गोवर्धन। सभी को नमस्ते, मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में काम करता हूँ और अभी आने वाले दो दिनों तक आप लोगों के। आप सभी को नमस्कार, और मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं DRP के पद पे हूँ और यहाँ पर आपके प्रशिक्षक के रूप में आया। अभी तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आवश्यकताओं के बाद सीधा हम आते हैं DC सर के पास। मैंने पहले ही बताया था, समय कम है, मीटिंग भी है। मैं सबसे अनुरोध करूँगा कहीं अपने आशीर्वाद दें ताकि हम लोग उत्साहवर्धन के साथ यहाँ पर प्रशिक्षण करा सकें। अफजलगढ़ की विभिन्न गाँव पंचायतों से सेलेक्ट होकर के इस प्रशिक्षण संस्थान में पधारी सारी CRP बहने, आप लोगों का संस्थान में स्वागत है। और मेरा ये संदेश है आप लोगों को कि आप जो है जो प्रशिक्षण में गुण बताए जाते हैं, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, उसको पूरा गंभीरता से लें। ऐसे हल्के में लोगे तो वो फिर हल्के में ही आप भी आगे, चूँकि आप लोगों को एक जिम्मेदारी का काम करना है, तो चूंकि आप लोगों को जिम्मेदारी निभानी है, ग्रुप गठन करना है और ग्रुप ऐसा गठन करना कि वो जो है जीवित रहे। जो चीज़ें यहाँ बताई जाएंगी उसको अगर गंभीरता से सुन लिया तो आप उसको जो है फील्ड में भी जो है उसका प्रयोग करेंगी, उसका जो है लाभ उठाएंगी। तो यहाँ से कुछ टिप्स बताएंगे कि भाई आपको कैसे उन लोगों को जो असेंबल करना है, गाँव में जाना है तो फिर कैसे आपको जो है अपनी बात को उनको कहना है। सिर्फ जाकर जाते ही ग्रुप गठन थोड़ा ना कर दोगे, कोई ना कोई एक्टिविटी करके दिखाओगे उनके बीच में, ताकि आपके पास में जो है बैठे आकर के महिलाएं जो गरीबी से जीवन यापन कर रही हैं या गरीबी से जूझ रही हैं, वो महिलाएं आपके पास में आएंगी, मीटिंग में आएंगी। पहले अपनी चीज़ें उसको एक्सपोज करना है। जो महिला बाहर है, जो जैसे मान लिया हम लोग आपको यहाँ तक बुला करके प्रशिक्षण दे रहे हैं, सेम यही चीज आपको गाँव में करनी है। वही प्रशिक्षण उन लोगों को देना है जिनको हम लोगों को ग्रुप से जोड़ना है। सबसे पहले ए ग्रेडिंग वाले को भेजा जाता है, कहीं भी ड्राइव होगी ए वाले अच्छे माने जाते हैं, फिर नहीं मतलब ए वाले कम हुए तो फिर बी वालों को भेजा जाएगा, फिर बी कम पड़े तो सी वालों को भेजा जाएगा, और डी यदि किसी का आ गया तो वो ट्रेनिंग लेनी और ना लेनी उसकी बेकार। ऐसे ही आप यहाँ आए मतलब 9 दिन आएंगे घर बैठ जाएंगे, उन्हें कोई काम नहीं मिलेगा, तो ऐसा ना हो कि किसी की डी आ जाए। तो आपकी क्या अपेक्षाएँ हैं वो आपको बतानी है इस ट्रेनिंग के तरफ। इस ट्रेनिंग में जब आप आए हो तो क्या अपेक्षा लेकर आए हो, क्या उम्मीद लेकर आए हो? बहुत अच्छा सब बताया, क्या उम्मीद लेकर आए हो, क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? जो अपेक्षा का ध्यान रखना, एक ही अपेक्षा लिखनी है, और अगर आसपास आप देख लो कि वही अपेक्षा लिखी हुई है तो दूसरी नहीं लिखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि सारी सारी एक ही अपेक्षा लिखी। हम चाहते हैं कि आपकी पूरी जो यहाँ पर अपेक्षाएँ आ जाए। खाली एक
दिखाई दे रही है, यही जरूरतें हैं, जरूरतें पूरी हो जाएंगी और जो सदस्य है वो सब मिलके चलेंगे। ऐसा पहले वाले चित्र में क्या था, पदाधिकारी खींच रहे थे, इस वाले चित्र में सदस्य खींच रहे हैं, दोनों ही तरह से सही नहीं है। चलेगा कैसे, जब सब साथ चलाएंगे, उसके बिना नहीं चलेगा। बकरी और ये क्या है, पुल। पुल कहाँ बना हुआ है, नदी पे बना हुआ है। दीदी ये पुल कैसा है, लकड़ी का पुल है। तो ये मतलब बड़ा पुल है या छोटा पुल, छोटा पुल है। तो इसमें एक एक बार में एक ही जा सकता है। और कितना अच्छा रास्ता इन्होंने निकाला। दीदी पहले मैं नीचे बैठ जाती हूँ, आप मेरे ऊपर से निकल पार हो जाए, पार हो जाए। तो इनके आपसी सहयोग से ये इधर चली गई और ये इधर चली गई और ये इधर चली गई। देखो दोनों आप आपस में एक दूसरे को देख भी रही हैं मुस्कुरा के, दोनों पार हो गए। अब आपको करना है कि इसको प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और सारी वीडियो को करनी है। तो जब हम ये एक या दो प्रेजेंटेशन कर देंगे, मतलब आप में से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, एक दीदी ने या दो दीदी ने कर ली, बीके वाले शुरू करना, बीके वाले शुरू करना, दोनों जब बीके वाले मान लो कर ले, उसके बाद उस ग्रुप को फिर अपने में से दो बांट दे। बताइए क्या दिख रहा है आपको, कुछ औरतें और आदमी दिखाई दे रहे हैं आपको। ये भी एक गरीबी का कारण, इसको भी कह सकते हैं गरीबी का कारण। हाँ, गरीबी का कारण। आगे देख लीजिए,
ये क्या है? ये इसमें इसमें क्या दिख रहा है आपको? इसमें एक चीज लेट रही है, उसके पास बच्चा है लेटा हुआ, और इसमें दवाइयाँ मतलब कि ये दवाइयाँ जैसे कि घर में बीमार पड़ जाते थे, ये बीमार गरीबी का कारण है। चलिए ये बताइए, ये इसमें क्या दिख रहा है आपको? हमारे मतलब कि बर्तन साफ करना है, जैसे कि एक घर की महिला होती है, वो क्या काम करती है? झाड़ू पोछा बर्तन ये तो करती नहीं, तो पनीर बर्तन बनाती है, खाना बनाती है, पोछा खर्च मतलब महिलाएं कितने में होती हैं, इतना खर्च होता है, क्या होता है तो, और जब गरीब जो गरीब महिला होगी तो क्या कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, है ना? बर्तन झाड़ू ये तो करती है, मैंने तुम्हें क्या रखा पानी लेके आ रही हूँ जी, वो सब पानी है ना जी, ये वो पानी लेके आ रही हूँ, वो किस तरह लेके आ रही हूँ को नहीं होता है कुछ, कमाने वाला कमजोर है, जब उसके यहाँ कोई आमदनी नहीं होती तो क्या होता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, वो जाना चाहते हैं लेकिन वो तो क्या होता है, गरीब वो अपने घर में मजदूर, वो बच्चा क्या करेगा, मजदूरी भी करेगा, तो लड़की है वो अपने घर का काम में बिजी रहेगी, और वो क्या है कि गरीबी का कारण, गरीबी का कारण देखो, एक बच्चे का स्टोर लिखना संजय का पास कर लिखवा दे, ये परिवार में हां आप दिखा लीजिए, ये वाला है घर से, ये वाला चलो दीदी तो होंगी।
सारी एक जगह की हो जाती है ना, तो वह टूट नहीं पाती, तो गठन होता है। मैं तुम्हारे गाँव
ट्रेनर ट्रेंड महिलाओं का काम है, ऐसी गरीब को काम है। धन्यवाद। जय हिंद।